आरपीएससी आरएस एग्जाम तीन फेजेस में होता है बेसिकली। वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम। एक होता है प्रीलिम्स, hey everyone, this is Renuka Singh. Welcome back to Plutus IAS. So, आज लेकर आई हूँ न्यू सेशन आपके लिए, जिसमें आज डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ आरपीएससी आरएएस का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। सो जब भी आप गाइज आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पहले देख लेना चाहिए कि आप एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, इससे थोड़ा रूबरू हो लेना चाहिए, तभी आप अच्छे से उस एग्जाम में कहीं ना कहीं स्कोर कर पाएंगे। सो एंड और इसमें बात करेंगे हम हाउ टू स्टार्ट आरएएस प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो, जीरो से आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। यहाँ जान लेते हैं करंट मेंबर ऑफ आरपीएससी। आरपीएससी के करंट मेंबर कौन कौन है अभी? श्री संजय कुमार शरोथिया जो कि चेयरमैन है आरपीएससी के, डॉक्टर संगीता आर्या हैं मेंबर हैं, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी हैं वो भी मेंबर हैं, श्री बाबूलाल कटाना है जो कि सस्पेंडेड मेंबर हैं आरपीएससी के। सो ये एक छोटी सी मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन। नाउ बात करते हैं शीट्स इन आरपीएससी, कितनी शीट्स हैं। जैसा कि आरपीएससी एग्जाम्स स्टेट पीसीएस ने वैकेंसीज नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास कितनी ही अवेलेबल हैं, 905, जिसमें से स्टेट सर्विसेज की कितनी है 424, लोअर लेवल सर्विसेज की हैं 481। इफ आई टॉक अबाउट दिस एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है, कौन कौन इसमें फॉर्म फिल करने वाले हैं, कौन कौन इस एग्जाम्स को दे पाएंगे, ये बात करते हैं। जो भी कैंडिडेट 21 टू 40 के बीच में लाई करते हैं वो इस एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं, तो एक बहुत अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए। सो बी रेडी फॉर दिस। नाउ एप्लीकेशन फी भी है इसमें, एप्लीकेशन फी कितनी रहने वाली है जर्नल्स की 600, ईडब्ल्यूएसएस के लिए 400 एप्लीकेशन फी होगी एंड 400 ही पीडब्ल्यूडी के लिए होगी। अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो 150 रुपीज़ है, जो कि जिनकी भी इनकम 2.5 है, 2.5 लाख से है कम, वो 150 रुपीज़ देकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नाउ एग्ज़ाम डिटेल हम जानेंगे। ये एग्ज़ाम आरपीएससी आरएएस एग्ज़ाम तीन फेजेस में होता है बेसिकली। वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम। एक होता है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स मेंस एंड आपका इंटरव्यू। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो एक ही पेपर होता है, जिसमें कि आपका जीके एंड जनरल साइंस आपका पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। 200 मार्क्स का होगा ये एंड 3 आवर इसमें टाइम आपको अलॉट किया जाएगा। गाइस इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, सो ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ हम चलते हैं मेंस पर। मेंस में टोटल आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं, जैसे कि यूपीएससी में भी होते हैं। 300 का सेम आपको टाइम अलॉट किया जाएगा, 3 आवर्स का सॉरी। एंड जो मेंस होता है वो रिटन फॉर्मेट में होता है आपका, डिस्क्रिप्टिव यानी रिटन में, ठीक है। जो ये 4 पेपर हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4 आपका, जो ये जीएस पेपर 4 है ये एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट भी है इसमें, जो कि हिंदी एंड आपका इंग्लिश, ये आपका क्वालिफाइंग एक पेपर और है इसमें, जो कि 200 के ईच वन कैरी 200 मार्क्स, 3 आवर आपको टाइम अलॉट किया जाएगा। टोटल ये मेंस होगा आपका 800 मार्क्स का,
ठीक है। जब आप मेंस आप लिख लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इंटरव्यू स्टेज में। अब इंटरव्यू क्या होता है, जिसे आप पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट आपका रहेगा 100 मार्क्स का। गाइस ध्यान रखना, मेंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज अगर आप मेंस में थोड़ा सा डाउन होते हैं तो वहां पे आप इंटरव्यू का इसमें ज्यादा रोल नहीं है। अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं तो ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, इंटरव्यू आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अगर आप मेंस में ही डाउन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आने वाली है इंटरव्यू में भी। तो आपको ज्यादा फोकस क्या करना है, मेंस पर। और जो वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि जीएस, जिन्होंने जीएस बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस में जीएस ही आना है, इसमें ऑप्शनल नहीं आना है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। और आपका थोड़ा बहुत आपका जनरल एबिलिटी एंड थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा पूछेगा, तो अच्छे से आपको प्रिपरेशन कर लेनी है इसकी। सो जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम की इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाएगा, मुझे कहीं ना कहीं और मेहनत की ज़रूरत है, तो जुड़ सकते हैं प्लूटस आईएएस के साथ, जो कि डेमो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं 26th February से 29th February तक। दिस विल बी एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। तो इसका कोई चार्ज नहीं होगा गाइस, आप देख सकते हो, डेमो क्लास लेकर देखो, अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। एट द एंड थैंक यू सो मच, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ साझा की उसको फॉलो कीजिएगा, देखिएगा अच्छे से सिलेबस पैटर्न। मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल्ड सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूं, एंड डेफिनेटली करने वाली हूं, सो बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच, आप इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं बैच ज्वाइन करने के लिए। सो पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी स्टे फिट, एंड अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, जहाँ भी आपको लगता है कि मेरा स्कोर कम जा रहा है और मुझे और अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो कोई ना कोई प्रॉपर गाइडेंस में जब आप पढ़ेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस एग्जाम्स। तो सो थैंक यू गाइस।